पी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नेहरू युवा केंद्र से दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता। बालूमत प्रखंड स्थित छाबर ग्राम में नेहरू युवा केंद्र लातेहार के द्वारा दो दिवसीय खेलकूद का कार्यक्रम किया गया, जिसमें फुटबॉल मैच, भाला फेंक, 400 मीटर पुरुषों की दौड़, 200 मीटर लड़कियों की दौड़, कबड्डी के खेल किया गया। वहीं भाला फेंक में विजेता रामजीत उराव डेम्बू, प्रकाश साव इचाक झाबर, ओम प्रकाश ठाकुर झाबर 400 मीटर की दौड़ में प्रकाश साव इचाक, सुनील उराव डेम्बू, नीरज गंजू इचाक, फुटबॉल खेल झाबर और डेम्बू के बीच खेला गया, जिसमें झाबर ने डेम्बू के एक गोल से हरा दिया। इस दौरान सभी विजेता खिलाड़ियों को फुटबॉल शील्ड देकर पुरस्कृत भी किया गया। वहीं इस दौरान नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा समन्वयक कंचन कुमारी, संजय उराव, राजेश कुमार, लक्ष्मी कुमारी, गौरव कुमार, रंजीत कुमार, सुरेश कुमार, रिपोर्टर कैमरामैन राहुल कुमार के साथ बद्री गुप्ता, लातेहार, ब्यूरो की रिपोर्ट। हुआ है जो मालूमात में हो रहा है, तो इसमें पहले है फुटबॉल कराया गया, दो दिवस से चल रहा है। कल टीम कुछ खेले थे, जो कल खेले हैं, जो जीते हैं उनका आज फाइनल प्रतियोगिता हो रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को प्राइज मिलेगा, शील्ड मिलेगा, और उसके साथ फुटबॉल भी मिलेगा, जर्सी वगैरह है बाद में मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ सुविधा है कि जो भी यूथ क्लब है हमारे यहाँ से रजिस्टर्ड है नेहरू युवा केंद्र लातेहार से, उनको हम जर्सी प्रोवाइड करते हैं, खेल की सामग्री जो उनको ज़रूरत पड़े वो प्रोवाइड करते हैं, वॉलीबॉल भी होता है यहाँ पे, और फुटबॉल के अलावा करवा रहे हैं 400 मीटर रेस लड़कों का, 200 मीटर रेस लड़कियों का, और लड़कियों का कबड्डी करवा रहे हैं, और उसके अलावा भाला फेंक हो रहा है। तो सारे प्रतिभागी को प्राइज मिलेगा और साथ ही में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये प्रोग्राम बस जो युवा है यहाँ के उनको मोटिवेशन देने के लिए, प्रेरित करने के लिए है कि उनको, जैसे कुछ लोग होते हैं, सारे लोग पढ़ने में अच्छे नहीं होते, कुछ खेलकूद में होते हैं, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, जो आज टीम जीतेंगे सारे ही खेल में, उनको हम जिला स्तरीय जो प्रतियोगिता होगा उसमें बुलाएंगे, उन टीम को और उन प्रतिभागियों को, और अगर वो वहाँ पे जीतेंगे उनको वहाँ से राज्य स्तर में भेजा जाएगा और राज्य स्तर से नेशनल लेवल में भेजा जाएगा। इसमें से कम कुछ पार्टिसिपेंट तो होंगे, जो प्रतिभा होगी, जो आगे जाके हम लोग को नेशनल गेम्स में, ओलंपिक्स में ज़रूर हम लोग उनको देखेंगे, उनका चेहरा देखने को हमको मिलेगा। इसी मकसद के साथ नेहरू युवा केंद्र ये कार्यक्रम चला रहे हैं। धन्यवाद।